पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान पद्मनाभ त्रिवेदी प्रांतीय अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों द्वारा पिछले दो सालों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। आज इसके अंतर्गत बाइक रैली निकाली जा रही है, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से होते हुए शास्त्रीय घाट पहुंचेगी, जहां से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का एक हमारा पूरा संगठन बना है, जिसमें तमाम विभागों के लोग हैं। पंचायती राज, सिंचाई विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, अन्य छोटे मोटे विभाग भी हैं। सब मिला के एक बड़ा हम लोगों ने समागम बनाया है, और ये हम लोग पिछले दो सालों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये हमारी शंखनाद और बाइक रैली है, जो कि आज यहाँ से निकलते हुए शास्त्री घाट पे हमारी और विभागों के लोग जुटे हुए हैं, उसके माध्यम से हम कैंपस से निकलते हुए पूरा चक्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ जिलाधिकारी महोदय को अपना कि हमारी पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल किया जाए, इस संबंध में ज्ञापन देंगे। आप लोगों की मांग तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन अभी हाँ देखिए, मांग तो हमारी बहुत सालों से चल रही है। हम लोग अपना कार्यक्रम लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं, और ये पुरानी पेंशन बहाली जो मोर्चा बनाया है हमने, हम लोग इसको पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी लगातार ये विभिन्न जनपदों से कार्यक्रम होते होते आज बनारस आया है, इसी तरह ये लखनऊ होते हुए पूरे प्रदेश में हो जाएगा, और 17 नवंबर को हमारी विहंगम रैली पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, शिक्षकों की, पंचायती राज की, विभिन्न विभागों के लोगों की जंतर मंतर पर होनी है। और वहाँ पर हम अपने हमारे सांसद भी हैं मोदी जी, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये 2005 से जो चला आ रहा, अभी उसको थोड़ा संशोधन किया है उन्होंने यूपीएस, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके सारे अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यूपीएस हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमको ओपीएस हमारी बहाल की जाए, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारी पेंशन, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो नए लोग आए हैं, बच्चे आए हैं 2005 के बाद से, उनको मिले, तभी ये एक नैसर्गिक न्याय होगा हमारे साथ, संगठन के साथ और पूरे समाज के साथ। क्या लगता है आज जो संघनाथ निकाल के, देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में लिखा हुआ है, उसका हम लोग पालन करते हैं, और हमारा काम है कर्म करना, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। और मेरा विश्वास है इस बात पे कि अब हम नॉक करते रहेंगे तो दरवाज़ा एक ना एक दिन खुलेगा, और ये हमारी पुरानी पेंशन, मेरे जो अंतरात्मा मेरी कह रही है कि हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी किसी दिन टीवी पर प्रकट हों 8 बजे रात में, और जैसे उन्होंने और घोषणाएँ की, 8 बजे ये घोषणा करें कि आज से पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल की जाती है। इसी तरह आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, हम दरवाज़ा खटखट करते रहेंगे सरकार का, सरकार को नॉक करते रहेंगे, और हमारी ये नॉकिंग तब तक चलेगी जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली सरकार स्वीकार न कर ले।